भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ब्रदर, आवाज आ रही है। सही लोकेशन पे आप बैठे हुए हैं, पीछे लॉर्ड बुद्धा के साथ बिल्कुल लगा कर रहे हैं। अरे एक लॉर्ड पीछे है, एक आगे है, उसमें और क्या चाहिए जिंदगी में। आपके अपार्टमेंट के आजू बाजू वाले लोगों ने अभी तक ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया सर क्या है कि वो भी आते हैं ना अपनी जरूरतें लेके। ये बात सही है। तो आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि हम लोगों ने आपका ये जो क्वेश्चन राउंड रखा है फिल्मों की तरह रखा है, इसमें कुछ सीन्स एक्शन के, मारधाड़ के, कुछ सीन इमोशन के हैं। और अब आपकी लाइफ भी देखो, विलेन से हीरो तक पूरा पूरा सफर तय कर चुकी है बिल्कुल एकदम। तो इसको हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के महानायक सोनू सूद जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं अपनी पूरी उज्जवल पाटनी टीम की ओर से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ कुछ वक्त बिताने का निर्णय लिया। और हमारी टीम में इनके कुछ महाभक्त हैं। महाभक्त मतलब इतना प्रेशर था कि यदि केस स्टडी में नहीं बनाता तो कुछ लोग जॉब छोड़ देते और कुछ लोग अपनी सैलरीज का कुछ हिस्सा इनके देखा देखी डोनेट करने लग गए इधर उधर। तो सोनू सूद आज देश के सबसे रिस्पेक्टेड नामों में से एक है और इनका एक एक मिनट कीमती है। सोनू सूद जी आपका स्वागत है, नमस्कार, उज्जवल पाटनी शो में वेलकम। आप ये जो मदद कर रहे हैं, ये कोरोना तो अभी खत्म हो जाएगा, ये तो एक शॉर्ट टर्म हुआ और सोनू सूद अब यहां तो रुकने वाले नहीं है। तो सोनू सूद का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, 10 साल 20 साल? कभी आप उतनी दूर सोच के आपने कभी सोचा कि यहां पर एक दिन मुझे पहुंचना है? जैसे बिजनेस का एक विजन होता है, जैसे इंसान का एक विजन होता है, तो सोनू सूद का विजन क्या है? सर मैंने जब लोगों की मदद करना शुरू किया तो कई लोगों ने, कई एनजीओस वगैरह मेरे साथ जुड़े, काफी एक्सपीरियंस लोग थे, 20-25 साल से बड़ी सक्सेसफुल एनजीओस बना रहे थे। कह रहे यार हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप कैसे काम करना चाहते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि तुमने क्या सोचा है तुमने? मैंने बोला कि मैं सब करूंगा, मैं एजुकेशन में भी मदद करूंगा, मैं लोगों की हेल्थ में भी मदद करूंगा, मैं लोगों को मोबाइल फोन भी दूंगा, मैं गाँव के अंदर टीवी टावर भी लगाऊंगा, मैं अपना मोबाइल टावर हर कुछ करूंगा, जो मुझे तकलीफ देगी मैं उसको हल लूंगा। तो कहते नहीं, आपका पैटर्न गलत है, आपका पैटर्न गलत है, इट्स लाइक अ पिरामिड, आप नीचे फैलते जाओगे और खड़ा नहीं होगा, आपको कर करके एक चुनना है कि आपको एक सेक्शन चुनना है कि आप ये करो, दिस इज द वे टू सर्वाइव, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बोला सर आप शायद ठीक बोल रहे होंगे, पर मेरे पास अगर मैं बोलूंगा कि मैं लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी करवाता हूँ, अगर किडनी वाला मेरे सामने मर रहा है तो मैं बोलूंगा नहीं बस मैं तो लिवर वाला हूँ बॉस, आप जाइए यहाँ से, तो उसको नहीं छोड़ सकते। तो मुझे पता नहीं मेरा पैटर्न क्या, मेरा फॉर्मूला कुछ नहीं है कि मैं आपका फॉर्मूला शायद सही हो, मैं कुछ नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सर वो फॉर्मूला कामयाब हुआ। जो आज हर आप मुझे तकलीफ बोलिए मैं उसका हल ढूंढ लूंगा आपके पास। तो आज जो हो रहा है हम लोग कर रहे हैं और जुड़ते भी जा रहे हैं, लोग बढ़ते भी जा रहे हैं। आज हमने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की, हम लोग कम से कम 12 से 15 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने वाले देश भर में, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जिसमें मैं ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाऊंगा। 3 पहले हम लोग कर्नूल में लगा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर उसके बाद नेल्लोर में लगा रहे हैं, मैंगलोर का फाइनल हो गया, तेलंगाना के अंदर हम लोग लगा रहे हैं, पंजाब के अंदर लगा रहे हैं, उत्तराखंड में मैं लगाऊंगा, यूपी में लगाऊंगा, हर जगह लगाऊंगा। मुझे नहीं आता था ऑक्सीजन प्लांट कैसे लगाने, लेकिन मैं बड़ा तो बढ़ने लग गया हर काम। तो माय आइडिया इज कि सीमाएं मत बांधो। मैंने मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, मैं इमोशन में लिख देता हूँ, जितने ट्वीट्स होते हैं, जो भी कोई शेर व शायरी होती मैं खुद की लिखी होती, मैं किसी से मतलब मारा नहीं होता। तो मैंने उसके अंदर लिखा था कि अगर मदद की सीमाएं बांधोगे तो मुश्किलों के बांध कैसे लांघोगे। तो मदद की सीमा मत बांधो, नहीं तो मुश्किलों के जो बांध है वो लांघ नहीं सकते यार। So I feel, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरह, मेरे पास जिस दिन नहीं कुछ होगा तो मैं अपनी पॉकेट दोनों खोली कर देगा, आज मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आपके साथ खड़ा हूँ, चलने के लिए जहां लेकर जाना चल पड़ो, लेकिन जब तक है तब तक तो कोशिश करता रहूँ। तो आप नाउ में काम करते हैं, मतलब आपने एक पंक्तियां कही तो आपके जवाब में कि शायद आप इसमें बिलीव करते हैं कि जिंदगी की योजना बनाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। जिंदगी की योजना बनाने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी वो लम्हा संभाल लो जहां जिंदगी खड़ी है। अरे वाह क्या सुपर है सर, है ना। तो आप आपके सामने किडनी आ जाए, चाहे लीवर आ जाए, चाहे लंग्स आ जाए, सबसे पहले ये लम्हा संभाल लो और प्लानिंग तो चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एज अ न्यूट्रल बिजनेस कोच आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप एक प्लान से चल रहे हैं, आप भी एक्चुअली अलग अलग सेक्शन खड़ा कर रहे हैं और वहां पर अलग अलग एनजीओ से कोलैबोरेट करके अलग अलग सेक्शन के अलग अलग लीडर बना रहे हैं, अलग अलग सेक्शन की अलग अलग हेल्पलाइन बना रहे हैं, उसका वॉलेंटियर सेना अलग बना रहे हैं, उसका बजट अलग बन रहा है, वही कंपनी उसको मैनेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं अनजाने में आप कॉर्पोरेट स्टाइल में ही चल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा आपका पीडियाट्रिक का अलग विंग है, कॉन्सेंट्रेटर का अलग विंग है, पैथ का अलग विंग है और भी कई चीजों का अलग अलग विंग भी बनता चला जा रहा होगा।
तो उन एनजीओ को भी खर्चा करने के लिए जगह चाहिए थी, उनको एक ट्रस्टेड व्यक्ति चाहिए था जहां पर पैसे का लीकेज नहीं हो, जहां पर सही ईमानदारी से काम हो सके। कहीं ना कहीं अनजाने में आप एक कॉरपोरेट पैटर्न ही लेके चल रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग भी अपनी पूरी योग्यता के साथ आपके साथ भिड़ेंगे इसका सिस्टम तैयार करने के लिए, ताकि ये चलता रहे। तो सुनो भाई, मेरी एक पर्सनल क्यूरियोसिटी, मैं जब भी आपको आधी रात को मैसेज करता हूं, आप विद इन सेम सेकंड फोन लगा देते। मैं मॉर्निंग में मैसेज करता हूं, मेरा मैसेज की टाइपिंग का सेकंड पार्ट आ रहा होता है तो ही आप फोन लगा देते हो। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतना स्टारडम होने के बाद ये एटीट्यूड बहुत रेयरली देखने में आता है। तो ये जो जमीनी हम्बल ग्राउंडेड सोनू सूद है, ये पहले से ऐसे है कि ये कोरोना की जो पुकार सुन के, कोरोना में जो तकलीफें देख के आपके स्वभाव में ये चेंज आया? मैंने ना सर, जब नए नए मोबाइल नेटवर्क शुरू हुए ना, मेरे पास पेजर हुआ करता था, तो मेरी जो वाइफ थी वो जॉब करती थी कहीं पे, और वहां पर जो मार्केटिंग के मोबाइल बेचने आते हैं सिम कार्ड, वो बंदा एक वहां पे आया दुकान पर, उसने बोला कि हम सिम कार्ड बेचना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ले लेते सिम कार्ड, उस समय 6-7 रुपए की कॉल हुआ करती थी। तो जो मेरा नंबर उस दिन मेरी वाइफ ने खरीदा था, आज भी मेरा नंबर वही है। अच्छा, नंबर नहीं बदला, आज दूसरे नंबर है, पर वो नंबर आज भी बरकरार वही, जिस नंबर पे आपसे मैं बात करता हूँ वही नंबर है। मुझे लगता है कि मैं अभी थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि इतने फोन आते हैं, और अगर मैं मैसेज के बाद भूल जाता हूँ, देना आपने मैसेज देखा, मैं पढ़ा, किसी का फोन आया, मैं भूल गया, उसके बाद फिर लोगों को लगता है यार मैसेज किया तुम जवाब ही नहीं देते हो, तो मैं इसीलिए तुरंत फोन करके बात करके लॉक कर देता हूँ। हाँ सर, ये हो गया काम, अब बताइए क्या। मेरे पास रात को 2:30 बजे मुझे याद है, मतलब 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैं कई बार फोन देखूँ तो लोगों के मैसेजेस आते हैं कि अपनी एक फोटोग्राफ होती है कि उंगली के ऊपर उनके ऑक्सीमीटर लगा हुआ है कि, और रीडिंग ऑक्सीजन की 60 जो सैचुरेशन लेवल 60 है। तो मैं देखता हूँ कुछ मैसेज नहीं, कोई जवाब नहीं, कहाँ से कुछ है, एक बस फोटोग्राफ है जिसमें 60 ऑक्सीजन लेवल। तो मैं फोन करता हूँ आपको 2:30-3 बजे, एक बॉस कहाँ से बात कर रहे हैं सर, कोकटपल्ली आंध्रा से, हम तेलंगाना से बात कर रहे हैं, किसके ऑक्सीजन लेवल 60 है सर, फादर के, चलो हॉस्पिटल लेके चलते सर, पैसे नहीं है कुछ, किधर जाएंगे सर देखेंगे। सो उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, सारी रात लग जाती है उनको लेके जाने में, और फिर जब डिस्चार्ज होती है उसकी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं वो समय अलग है, या वो लोग अलग है जो बोलते हैं कि यार इजीली एक्सेसिबल हो गए ना, तो लोगों को वैल्यू नहीं मिलती। तो मुझे लगता है जितना इजीली एक्सेसिबल हो उतना ही अच्छा। सर आम इंसान है, जुड़े रहना जरूरी है जमीन से और आम लोगों से। सर मैं भी आम इंसान, मुझे ना सबसे यूनिक आपका जो लगा ना, वो हेल्पलाइन मैकेनिज्म लगा। अदरवाइज दिन भर की इतनी रिक्वेस्ट संभालना सरल नहीं है, जो अलग अलग कॉर्पोरेट से, एनजीओ से, ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से टाई अप करके, वॉलंटियर्स के अलग अलग ग्रुप बना के, अलग अलग चीजों की जो हेल्पलाइन, वो मैनेजमेंट गुरु वाला एंगल, वो कोच वाला एंगल था। तो मैंने आपके में देखा आप धीरे धीरे ना हर चीज को स्ट्रक्चर देते चले गए, चाहे कॉन्सेंट्रेटर के लिए एक से टाई अप, तो किसी पैथोलॉजी टेस्ट के लिए दूसरे से टाई अप, तो पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए तीसरे से टाई अप। तो क्या आपके अंदर एक मैनेजमेंट गुरु है क्या पहले से? आई मीन आर यू गुड एट मैनेजमेंट और व्हाट? सर मुझे पता नहीं, पर मेरे फादर एक चीज बोलते थे कि सोनू तू एक ऐसा बंदा है जो कुछ भी कर सकता है। हाँ, शाहरुख खान भी, मैं जब उनके साथ हैप्पी न्यू ईयर में शूट किया था, वो भी इस चीज को मानते थे कि यार अगर कोई काम अटक गया तो सोनू को बोलो, ये इसके अंदर है वो करने वाली एक है क्षमता है। पता नहीं सर कैसे मैं करता हूँ, लेकिन मुझे लोगों को जोड़ना आता है, मुझे लोगों को जोड़ना आता है, जिसको नहीं पता वो क्या करना है। आप मैनेजमेंट में बहुत कमाल के हो सकते हैं, अगर मैं आपकी मदद लूँ, क्या यार जिल भाई देखो आपने एक्सपीरियंस, आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस, आप बड़े मदद लिया, तो वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात वो है कि मैं वो जिल भाई को पकड़ूं जिसको पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। यार मेरे अंदर है टैलेंट, वो तो बिजी है यार, बहुत अच्छा काम करे। जिल भाई आप यार बहुत एक चीज करते हैं साथ में, जरा आप जुड़िए, एंड देन यू डिस्कवर दैट टैलेंट इन यू, दैट इज व्हाट आई हैव डन। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैक्सिमम लोगों से मैं आज तक मिला भी नहीं, सिर्फ फोन पर बात की हुई, चंद लोगों से मैं मिला, लेकिन उन लोगों को मैंने बता दिया। उन लोगों ने ट्विटर पे रैंडम मैसेज किया कि सर हम जुड़ना चाहते हैं, मुझे थोड़ी सी फीलिंग आई, मगर चला आया बेटा, आ जाते रहा, क्या काम है, तू ये काम करता है। मेरा दूध वाला जिंदगी भर दूध बेचता है, वो अभी एक मैनेजमेंट का बंदा बन गया। वो कहता हाँ सर एक काम करिए, एजुकेशन वाले इधर आ जाइए, एक काम करिए इंजेक्शन वाले इधर आ जाइए, कैंसर वाले इधर आ जाइए, इधर आइए। तो वो बनाता है पर्चियां, बनाता है, फिर छांटता है, फिर उसको बांटता है, फिर उसकी फोटो खींच के मेरे बंदों को भेजता है, फिर वो बंदा आगे एजुकेशन वाले अलग करता है, उसमें से कीमोथेरेपी वाले अलग करता है, सबको अलग अलग करता है। तो ये लोग वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं, जो कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन उनके अंदर हमने वो डिस्कवर किया। तो मेरे हिसाब से मुझे, मैं जैसे बोला कि हर मुझे लोगों को जोड़ना आता है, उनका जो टैलेंट है वो निखारना आता है, वही कर रहा हूँ। और मैंने बहुत किया, मेरे बेटे का क्रिकेट कोच है,
कुछ नहीं करता, उसको कुछ पता नहीं, ABCD भी नहीं पता, वो यूपी में बैठा बैठा बेटा एक काम कर, तू उधर से दवाई उठानी है उस एयरपोर्ट पे देनी है। उसको बोला सर बड़ा अच्छा, वो आज इतना मर्जी काम है मैं उसको सीधा फॉरवर्ड करता हूँ, वो उसका काम है उसको खत्म करना। मेरा एक दोस्त है बैंकॉक में बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं आता, सारा जिंदगी उसने पार्टी किया है, अभी नाम है उसका, उसने क्या रात को पार्टी करके सुबह 3 बजे उठता है, फिर रात को पार्टी की तैयारी करता है, वो अभी उसके पास 1 मिनट टाइम नहीं है कुछ भी करने का, तो उसको लगा दे काम। तो आइडिया इसकी आप दिशा दिखाएं लोगों को और उनको उनकी जिंदगी का मकसद मिल जाए, वो सबसे बड़ी चीज। तो मतलब आपने कई लोगों को जीने का पर्पस दे दिया है। मुझे लगता है कि वो पर्पस था हमेशा उनके लायक, बट आई थिंक एनलाइटन कर दिया उन्हें। तो ये क्रांतिकारी लाइन थी, मुझे लोगों को जोड़ना आता है, अदरवाइज एक व्यक्ति इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता। आज सोनू सूद इज नॉट एन इंडिविजुअल टुडे, ही इज एन इंस्टीट्यूशन। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि देशवासी बोले सोनू साहब हमारे यहाँ जो ये मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही है, प्लीज थोड़ा इनको काम करना सिखा दो। तो अभी कुछ भी हो सकता है, याद रखिए आप एकदम बोलते हैं ना, जब छवि इतनी बड़ी हो जाए ना और एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी हो जाए तो बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, तैयार है ना भाई? नहीं सर, लगेंगे चैलेंजेस को भिड़ना आता है, भिड़ेंगे हम लोग। जब हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो मेरे भीतर के मोटिवेशनल स्पीकर को थोड़ा खटका लगा, मारधाड़ वाला सवाल है, सीधा सवाल है। मैंने ये देखा कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं उसमें से बहुत सारे लोगों ने, या कहें बहुत कम लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया या आपके लिए खुल किया है या आपके फाउंडेशन में सपोर्ट किया या पब्लिक प्लेटफॉर्म में शायद उनकी न्यूज नहीं है। तो क्या आपकी अपनी फ्रेटर्निटी, आपके अपने इंडस्ट्री के जो जितने भीष्म पितामह हैं, क्या इनका बहुत ओपन सपोर्ट या जैसा आप सोचते थे वैसा आपको मिला नहीं मिला? जस्ट एन ओपन टेक। मुझे लगता है दुआएं मिली होंगी कहीं ना कहीं, विशेष मिली होंगी दिल से, वो ओपनली तो नहीं मिला सर, फैक्ट बताऊं आपको नहीं मिला। तो मैसेजेस कईयों ने किए कि पर्सनल फोन पे पब्लिकली नहीं एक्नॉलेज किया, पर मैसेजेस जरूर किए कि अच्छा काम किया है, बहुत इंस्पायर किया है, वी फील प्राउड कि आप इंडस्ट्री का हिस्सा हो। तो आई थिंक इतना ही बहुत था सर, हमारी इंडस्ट्री में थोड़े कॉम्प्लीमेंट देने की कंजूसी रहती है, तो आई थिंक अगर उतना मिल जाए तो समझ लेना बहुत कुछ मिल गया। So I feel कि कहीं से कुछ ये सरप्राइजिंग है, बहुत सारे लोग आपके थ्रू मदद कर सकते थे और बहुत सारे लोग आपके थ्रू चैरिटी कर सकते थे। ठीक है, मतलब लोगों को जरूरत है इसलिए करना जरूरी है, तेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है क्या? तो मैं कहने पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को लोगों की मदद करनी जरूरी, पर कैसे कर लेता तू, अब 15 मिनट में वहां पहुंच जाएगा, 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे करता है कैसे करता है? तो मैं एक दिन मेरे साथ बिताओ समय, आके घर पे बैठो मेरे बाजू में और देखो फिर कैसे पहुंचता यार, हम करते हमारा तो जाता नहीं कहीं पर, सामान जाता नहीं है तो कैसे करो? मैं कहो आपका भी भिजवा देता हूँ सामान, बोलो क्या है। सो आइडिया इज की क्यूरियोसिटी है कि कैसे होता है, ऐसा नहीं है कि कमाल है फोन उठा के बॉस कमाल काम कर दिया आपने, मजा आ गया यार आपने, मतलब ऐसा कमाल कर दिया यार, मतलब मैं भी करना चाहता हूँ यार, कैसे करें बताया किसे? ऐसा नहीं, क्यों कैसे क्या कर रहा है, किसके पीछे, बोलते ना अपेक्षा लक्ष्य ये सब, वो अलग अलग भाषाओं में आता है। कुछ लोगों ने पब्लिकली एक्नॉलेज भी किया, बहुत सारे स्टार्स ने किया भी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, वी फील प्राउड, यू नो अजय है, प्रियंका है, इन लोगों ने बहुत, दे फेल्ट वेरी वेरी प्राउड, इन लोगों ने बोला भी अच्छा भी बोला। बट आई फील सर कि मैं ना तो किसी प्रशंसा के लिए सबका काम किया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सेट पे बीच में गया था, अपने शूटिंग पे सेट पे गया था, 500-600 लोग खड़े हुए थे, मुझे पता नहीं, सब गेटअप्स में थे, और जैसे मैं सेटअप पे गया तो सब खड़े होकर ताली बजाने लगे, जूनियर आर्टिस्ट जितने थे। तो मैं नमस्कार बोला उनको, कह रहे सर आपने हमारी सिस्टर का किडनी का ऑपरेशन कराया था, सर आपने लिवर ट्रांसप्लांट कराया था, राशन आप ही के यहाँ से सर 4 महीने से हमारा आ रहा है, दवाइयाँ आपके यहाँ से आ रही है। तो मैं जानता नहीं था कौन थे लोग, मैं अच्छा सर थैंक यू सो मच। जो उनकी आंखों के अंदर जो खुशी मिलता है ना, उसको आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता। मैं चिरंजीवी सर के साथ सेट पे शूट कर रहा था आचार्य के, तो चिरंजीवी जी ने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि सोनू सूद जी, वो सोनू सूद जी ऐसे बात करते हैं, सोनू सूद जी आपको पता है कि आज आंध्र तेलंगाना और देश भर के हर घर के अंदर बच्चा से लेकर बूढ़ा, जहाँ पे टीवी नहीं भी है ना, ये गांव के इंटीरियर से इंटीरियर जहाँ पे टीवी भी नहीं जाता ना,
उस घर में भी आपकी चर्चा होती है, जो कभी किसी की नहीं हुई, हम लोगों की भी नहीं हुई कभी, वो बहुत रेयर है, और वो जो प्यार है वो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। तो मुझे मुझे इतनी खुशी अंदर से मिलती है, मुझे लगा कि मैंने यार 70 फिल्में की साउथ में, 60 फिल्में की, बड़ी ब्लॉकबस्टर की, लेकिन वो फिल्में शायद उन दिलों को नहीं छू पाई होंगी जिस जो पिछले 1.5-2 साल में लोगों की दुआओं ने काम कर दिया। मैं सबसे अपने बड़े दोस्तों से ये बोलता हूँ कि यार हर चीज बाद में हो सकती है, लेकिन मदद आज होनी जरूरी। मेरा काम है करते रहना आगे, लोगों का काम है आप हैशटैग स्कैम्स के बनाएं या हीरोज के बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी गति नहीं रुकने वाली। यदि सोनू सूद भारत के हेल्थ मिनिस्टर होते तो कोरोना को कैसे डील करते? अब दिक्कत ये है कि सोनू सूद विलेन कैसे बनेंगे? मैं सिर्फ कमाल का बिजनेसमैन। मतलब आपको खुद ही ओखली में सर देने में मजा आता है, राजनीति में आओगे कि नहीं भाई? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।